मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके YouTube चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ जो आपके डाउट थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते समय कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेकंड ईयर का, जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चैप्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर 3 और रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में जो आपके डाउट आए थे उनको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में। पहले मैं बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या किस तरीके का क्वेश्चन था। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें एक बैलेंस शीट दे रखी थी जिसमें हमें कुछ चार एडजस्टमेंट दे रखी है। सबसे पहले एडजस्टमेंट दे रखी है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको हमने रिड्यूस कर दिया 100 रुपीज से 50 रुपीज तक, और इक्विटी शेयर्स को रिड्यूस कर दिया 100 रुपीज से 25 रुपीज तक। तो जो हमारे सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स में जो 50 रुपीज का अमाउंट आएगा वो हमारा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। दूसरी एंट्री में जो हमारा इक्विटी शेयर्स के बाद जो 75 रुपए का जो अमाउंट आएगा वो जाएगा हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तीसरी एंट्री थी हमारी प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड प्रोवाइड कराने की। तो प्रिफरेंस शेयर्स में जो डिविडेंड प्रोवाइड कराना था वो ऑप्शन जो था इनका केवल बोर्ड मीटिंग तक रहा, अकाउंटिंग तक आया ही नहीं, अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसकी कोई भी एंट्री हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर चौथी एंट्री थी हमारी जितना भी हमारा लॉस था या जितने भी हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल असेट्स थे जैसे गुडविल हो गया या पेटेंट हो गया, उन सबको सेट ऑफ करना था। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का लिख देता हूँ थोड़ा क्या क्या चीजें दी हुई थी। गिवन रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में हमें दिया हुआ था हमारे पास 7500 प्रिफरेंस शेयर्स थे जो कि 100 रुपीज के थे, और इसको अब कन्वर्ट करके कर दिया गया है 50 रुपीज पे। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट ये थी। दूसरी एडजस्टमेंट थी 5000 इक्विटी शेयर्स थे जो कि 100 रुपीज के ही थे, अब कर दिए 25 रुपीज के। ठीक है, और तीसरी एंट्री प्रिफरेंस की डिविडेंड की मैंने बताई थी आपको, प्रिफरेंस डिविडेंड की, तो ये हमें करनी ही है क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं थी, अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी। और फिर चौथी एंट्री हमें करनी है राइट ऑफ की, जितने भी हमारे लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम पहली एंट्री देखते हैं कि पहली एंट्री में हमारा क्या होगा। सॉल्यूशन, तो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स की थी, तो पहले हमें ये देखना कितना अमाउंट हो गया। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी जो प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, जो नए हमें प्रिफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं वो होंगे। ठीक है, प्रिफरेंस शेयर्स अकाउंट, ठीक है, डेबिट में कितना अमाउंट आएगा जो हमने कैंसिल किया है। तो हमने कैंसिल कितना करा है, 7500 पे 100 रुपए के हिसाब से हमने पूरे कैंसिल कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7,50,000। ठीक है, अब हमने नए इश्यू कितने करे हैं, 7500 पे हमने जो अमाउंट है वो हमने 50 का कर दिया 100 की जगह, तो ये हाफ हो जाएंगे 3,75,000। अब जो बाकी का अमाउंट बचा वो हमारे किस में जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना चला जाएगा 375,000। तो ये तो हुई हमारी सबसे पहली एंट्री प्रेफरेंसेस कैंसिल करने की और नए इशू करने की। इसका लॉजिक क्या है, देखिए हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स था वो हमें पहले जो बैलेंस शीट में दे रखा था वो लायबिलिटी साइड दे रखा था, और लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो एक चीज याद रखना हमेशा, लायबिलिटी प्रॉफिट
या इनकम अगर हमें होती है, ठीक है, तो हम अगर मतलब ये बढ़े तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट, असेट्स, एक्सपेंस और लॉस, अगर ये बढ़े तो क्या होता है, डेबिट, और अगर कम हो जाए तो इसी का उल्टा, क्रेडिट। तो यहां पर अगर हम ये वाला लॉजिक लगाएं तो जो प्रिफरेंस शेयर से पुराने वाले वो हमारे पहले बैलेंस शीट में क्रेडिट हो रखा था, अब हमने इसे कैंसिल करा है, तो पहले हमने क्रेडिट कर रखा था, अब कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम करने है लाइबिलिटी, हमें अपनी कम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो हमने वही करा, प्रिफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट से, और फिर उसके बाद नए इशू करे हैं तो हमारे पास नई लाइबिलिटी इशू हो रही है, तो लाइबिलिटी फिर बढ़ रही है हमारी, तो बढ़ रही है तो हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। तो हमने दूसरे में क्या कर दिया, टू प्रिफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। इससे हमें ये जो हमारा अमाउंट आया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एज अ प्रॉफिट आया, क्योंकि जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स थे उन पे हमारी, हमें लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर कि हमें उन्हें पे करना था, अब उन्होंने क्या कहा कि हम नहीं लेना चाहते, आप इसे पिकअप कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, हमें अब इस पे अपना राइट नहीं चाहिए, आप इसे ना भी दो हमें चलेगा। तो उनके लिए, कंपनी के लिए क्या हो गया, ये एक तरीके से प्रॉफिट हो गया। और मैंने बताया प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, तो यहाँ पर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 375000 से, ठीक है। ये हुई हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर्स में क्या है, सेम है, 5000 के इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज के थे, अब 25 के बचे, जो 75 अमाउंट था वो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में हमारे एज अ प्रॉफिट हमें हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ नीचे, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स अकाउंट जो हमारे पुराने वाले थे उनको हमने कैंसिल किया है, तो पुराने वाले हमारे कितने थे, 5000 इंटू में 100 मीन्स 5 लाख रुपीज के पुराने थे, अब हमने उन्हें कैंसिल करके 5000 पे 25 का कर दिया। तो इसे सॉल्व करिए, 1,25,000 का, ठीक है, नए इश्यू को हमने कितने कर रहे, 1,25,000 के। अब जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ हमारा, 3,75,000 का, ठीक है। ये तो हुई हमारी ये दो एंट्री, इसका भी लॉजिक सेम है जैसे पहले वाले में था, पुरानी लाइबिलिटी हमने कैंसिल करी तो इसलिए डेबिट किया, नई लाइबिलिटी इश्यू करी क्रेडिट हुआ, और जो हमें प्रॉफिट हुआ उसको हमने क्रेडिट किया। ये होगी हमारी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, बच्चों के जो डाउट है, आप लोगों में जो डाउट है वो सब डाउट इस वाले पॉइंट पे हुए होंगे, हमेशा प्रिफरेंस डिविडेंड वाले पॉइंट पे। मैं एक बार क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में मतलब जो बुक में है वो एक बार लाइन बता देता हूँ कि क्या लाइन क्वेश्चन बुक में दे रखी है इसकी। तो बुक में देखा था, द प्रिफरेंस डिविडेंड इज एरियर फॉर द लास्ट 5 ईयर, जो लास्ट 5 साल से था प्रिफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं था, अभी तक एरियर था, ठीक है, एंड दे आर नॉट गेट एनीथिंग फॉर इट, इन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो इसलिए इधर अभी आपके लिए कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगी, और इसके लिए हमें अभी कोई एंट्री करनी भी नहीं है। अब बचा लॉस, जो भी था उसको हमें सेट ऑफ करना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया रिडक्शन करने के बाद, एक आया 3,75,000, एक आया 3,75,000, तो अब इसका करेंगे क्या, टोटल ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7,50,000, ये आ गया हमारा कैपिटल रिडक्शन अमाउंट। मैं ऊपर वाले को रफ कर दे रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो लॉस थे वो कौन कौन से थे, बैलेंस शीट में कौन कौन से लॉस गिवन थे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 3, लॉस हमें किस साइड दे रखे होंगे, या तो एक हमें लॉस दे रखा होगा पीएनएल अकाउंट में, लॉस जो होगा वो, और दूसरा जितने भी असेट साइड में हमारे इंटेंजिबल असेट्स होंगे लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ये सब हमारे एक तरीके से लॉस होते हैं, और
अगर एसेट साइड में पीएनएल का बैलेंस दे रखा है तो वो भी हमारा लॉस होगा, इसका लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एसेट साइड में पीएनएल अकाउंट दे रखा है तो उसका प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कंफ्यूज होते हैं कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया एक्सपेंस या लॉस या असेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे। डेबिट जो लॉस है उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और पीएनएल अकाउंट अगर असेट साइड गिवन है और असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो पीएनएल अकाउंट दे रखा है वो हमारा क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। और अगर इसकी जगह पीएनएल अकाउंट हमारा लायबिलिटी साइड दिया होता तो सेम इसका उल्टा हो जाता, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट होता है अगर वो बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, तो उसी तरीके से पीएनएल अकाउंट जो हो जाता हमारा क्या हो जाता? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, अगर मैं बैलेंस शीट में पीएनएल अकाउंट अगर असेट साइड दिया है तो वो हमारा लॉस है, अगर क्रेडिट साइड में लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमें कौन कौन से लॉस इस क्वेश्चन में गिवन है और जो हमें सेट ऑफ करनी है। तो पहले तो मैं एडजस्टमेंट पढ़ देता हूँ कि एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला हुआ है। तो फोर्थ एडजस्टमेंट हमारी द अमाउंट अवेलेबल टू बी यूज फॉर राइट ऑफ प्रीमियर डे एक्सपेंस, जो भी हमारे प्रीमियर डे एक्सपेंस थे वो करने हैं। डिस्काउंट जो हमने इश्यू करे हैं शेयर्स पे तो वो करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक। फिर इसके बाद बोला है ऑल्सो द राइट ऑफ ₹30,800 on the leasehold premises. Leasehold premises पे ₹30,800 करना है। और फिर हमें बोला हुआ स्टॉक भी राइट ऑफ करना है ₹15,000 से, ठीक। और 20% ऑफ पीएनएल प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। फिर इसके बाद हमें दे रखा है सैंड्री डेटर्स, और फिर इसके बाद हमें दे रखा है बैलेंस अवेलेबल फॉर पेटेंट्स, जितना भी हमारे पास बैलेंस होगा वो पेटेंट्स के लिए। इन सभी चीजों को हमें राइट ऑफ करना है। तो ये सब राइट ऑफ किससे होंगे हमारे? जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, या तो उससे सबसे पहले तो हमें इससे करना है, या फिर अगर और कम पड़ते हैं हमारे प्रॉफिट अमाउंट तो हम जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं इसको नीचे का रफ कर रहा हूं, आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके रफ नोट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पहले, सबसे पहले अमाउंट कौन से कितने के दे रखे हैं हमें बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमें पेटेंट्स दे रखा है एट कॉस्ट ₹8,50,000 का, सेंडरी डेटर्स ₹76,500 के, प्लांट एंड मशीनरी में दे रखी है ₹42,200 की, स्टॉक में ₹50,000 तक करना है, लीज होल्ड प्रीमिसेस करनी है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हमें दे रखा है 18,000 का। फिर आ जाते हैं पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट हमें दे रखा है 1,15,000 का, और
फिर लास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे रखे हैं 10,000 रुपए, ठीक है। अब हमें ये सारा जो भी लॉस हो रहा है उन सबको सेट ऑफ करना है किससे, ये सारा हमें सेट ऑफ करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। तो सेट ऑफ करना है तो जितना भी लॉस है वो हमें कम खत्म करना है, तो जो हमारा प्रॉफिट था वो हमारा लॉस में चेंज हो जाएगा, और लॉस अगर होता है तो हम क्या करेंगे डेबिट। तो पहले जो हमने क्रेडिट कर रखा था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को, अब हम यहां कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। टोटल अमाउंट हमारा था 7,50,000 का, ठीक। तो सबसे पहले हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस करना है खत्म, लॉस को खत्म करना है, मतलब जो पहले डेबिट बैलेंस था उसको खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट को क्रेडिट में चेंज करना होगा। तो हम इसको चेंज करेंगे तो टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये आ जाएगा हमारा 12,000 से, टू पीएनएल अकाउंट 1,15,000 से, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं 18,000, टू लीज होल्ड प्रीमिसेस 30,800 से, ठीक है। फिर इसके बाद हमें करना है स्टॉक, फिर इसके बाद हमें दे रखा है 20% ऑफ मशीनरी, तो हमें 20% ऑफ मशीनरी निकालना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के बता देता हूँ कितना होगा, 8,440, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉक हो गया था, स्टॉक के बाद टू प्लांट एंड मशीनरी कितना आया 8,440, ठीक है। अब करना है सेंडिंग डेटा, हो सकता है प्रोविजन दे रखा हो, देखते हैं पहले, क्योंकि पूरे तो हमारे जो डेटर्स हैं वो सारे डूबेंगे तो नहीं, तो साफ सीधी सी बात है हमें कोई ना कोई बैड डेट्स दे रखे होंगे, उन बैड डेट्स को हमें क्रेडिट लॉस को फॉरवर्ड करना होगा। तो क्वेश्चन में कहीं प्रोविजन को टोटल दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैंने फिर से एनालाइज किया क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा था कि सेंडी डेटर्स हमारा पूरा हो गया या नहीं, तो मैंने एक लाइन देखी इसमें कहीं पर भी प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट या बैड डेट्स का कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। पर जब मैंने फिर से क्वेश्चन पूरा सही से पढ़ा तो जो हमारा ये एक लाइन दे रखी थी 20% ऑफ पीएनएल अकाउंट को ब्रांड एंड मशीनरी एंड सेंडी डेटर्स का रखा था, और फिर उसके बाद एक और कर रखा था एंड द बैलेंस अवेलेबल फॉर पेटेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है क्वेश्चंस में 20% ऑफ सेंडरी डेटर्स भी कर रखा है, तो हमें 20% ऑफ सेंडरी डेटर निकालना होगा, वो हमारा आ जाएगा 15,300। तो जो हमारा सेंडरी डेटर्स इधर हमारा जो बना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से, या सेंडरी डेटर्स हम लिख सकते हैं 15,300।
अब हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं है कि हमने इतने रुपए का जो 20% हमने बनाना है वो हमें प्रोविजन बनाना है या सिंपल सा बैड डेट करना है। तो आप या तो इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख के आ सकते हो या फिर सीधा लिख के आ सकते हो सन्ड्री डेटर्स। पर आपको एक नोट लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के बाद कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हम ये चीज तो लिख नहीं सकते कि क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हमें एज्यूम करना होगा कि ये हमें दे रखा है कि ये हमारे डूब चुके हैं इसलिए हमने इसको राइट ऑफ किया है, या फिर हमें सैलरी डेटर नहीं करना, हमें करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास अभी डाउटफुल डेट है, इनका भी कंफर्म नहीं है कि ये रुपए देंगे या नहीं देंगे, तो हम इसलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद बचा पेटेंट्स, तो हमारे इधर आ जाएगा प्रूफ पेटेंट्स, ठीक है। अब पेटेंट्स क्या है, इसमें से जितना भी अमाउंट बचा है काटने के बाद वो हमारा पेटेंट्स पे चला जाएगा। तो कैलकुलेशन कर देते हैं कितनी आएगी, 7,50,000 माइनस करने 12,000 माइनस करने 1,50,000 माइनस 18,000 माइनस 3,800 माइनस 15,000 माइनस 8,440 माइनस 15,300। तो ये हमारा अमाउंट आ रहा है कुछ 5,35,460 का। अब पहले तो हमें देखना है अमाउंट अवेलेबल है, कर सकते हैं, और हमारा जो पेटेंट्स था वो हमारा 8,50,000 का था, तो पूरा अमाउंट हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम उधर लिख देंगे 5,35,460। ये हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर जो हमारा बैलेंस अगर 8,50,000 से ज्यादा आता, मतलब हमारा जो भी प्रॉफिट था वो सारा लॉस कवर होने के बाद भी बच रहा है, तो हम उस प्रॉफिट का क्या करते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है। और कई बार सिचुएशन में ये होता है कि जो हमारा कैपिटल रिडक्शन रिजर्व है वो हमारा बहुत ज्यादा आता है या कुछ ज्यादा आता है हमारे टोटल एक्सपेंसेस से। तो एक चीज बताइए, जो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बन रहा है क्या वो हमारे ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है? जी नहीं, वो जो हमारा है एक कैपिटल नेचर का रेवेन्यू है, इसलिए हम इसको जनरल रिजर्व में नहीं कैपिटल रिजर्व में सेंड कर दिए। अगर यहाँ पर हमारा जो कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट ज्यादा होता तो यहाँ पर सारे लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद एक और एंट्री जुड़ जाती, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ना कि जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जनरल रिजर्व में हम बस वही प्रॉफिट डालते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग रेवेन्यू से हो या ऑपरेटिंग नेचर से रिसीव हो, ठीक है। तो ये तो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर 3 हो चुका है। अब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर 4 एक बार बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर 4 हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्या क्या चीजें गिवन थी। तो रजिस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें हमें इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, गैप, क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड, ये सब चीजें दे रखे हैं, और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स में दे रखे हैं, डेबिट डेटर, स्टॉक, कैश एंड पीएनएल अकाउंट दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी each existing preference share is to be reduced to 35 rupees, of which rupees 20 will be represented by new 12% preference shares and 15 by new equity shares. पहली adjustment ये। दूसरी adjustment हमारी, each debenture of rupees 100 is to be exchanged for rupees 50 of new 13% debenture. One new 12% preference shares of rupees 25 and four new equity shares of rupees 2.5. Second adjustment, third adjustment हमें दे रखी है, each equity shares is to be reduced to rupees 2.5 each. The reduction of capital and reserve are utilized to write off losses, 50% of stock, debtors, balance, if any. is to be used for write off down fixed assets. तो सबसे पहले हमें एक एक एडजस्टमेंट को समझना होगा, उसके बाद हमें उसकी एंट्री करनी होगी। तो हम
रजिस्ट्रेशन नंबर फोर शुरू करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर वन सॉल्व करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर फोर फर्स्ट एडजस्टमेंट में कह रहा है जो हमारे प्रिफरेंस शेयर्स थे वो रिड्यूस्ड हो गए हैं 35 रुपीज से। ठीक है, जो भी हमारे प्रिफरेंस शेयर थे वो हमारे अब 35 रुपीज के हो गए। प्रिफरेंस शेयर्स इज टू बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 35। और जो 35 हैं वो कैसे टूटे हैं, 20 रुपीज के तो हमने न्यू इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 12% प्रिफरेंस शेयर्स, और 15 रुपए के नए इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी, सॉल्यूशन। ऐसा करते हैं, एक एडजस्टमेंट फिर उसकी एंट्री, फिर दूसरी एडजस्टमेंट फिर उसकी एंट्री, फिर तीसरी एडजस्टमेंट फिर उसकी एंट्री लिखते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, जो पुराने प्रिफरेंस शेयर थे, जो पुराने प्रिफरेंस शेयर थे वो 10% थे, 10% प्रिफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट वो हमने कैंसिल कर दिए। नए इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, 12% प्रिफरेंस शेयर के, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो 12% प्रिफरेंस शेयर्स अकाउंट, देन इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फिर जो भी हमारा अमाउंट बचेगा, जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा किसमें चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो जो हमारे प्रिफरेंस शेयर हमें बैलेंस शीट में दे रखे थे वो हमें 20 लाख के दे रखे हैं। ठीक है, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख के जो हमारे इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर थे वो हमने कैंसिल कर दिए। अब नए प्रिफरेंस शेयर इश्यू करने जो कि हमारे 20 रुपीज का शो करेगा इतने आप, तो जो हमारे प्रिफरेंस शेयर्स पुराने थे 20,000 वो हमारे 100 रुपीज ईच थे, तो अब जो हमारे 100 रुपीज है वो कन्वर्ट हो गया है 20 में, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे जो नए प्रिफरेंस शेयर्स होंगे वो कितने के हो जाएंगे, ये हमारे जो अमाउंट थे नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स वो थे 20,000 और जो कि अब अमाउंट हो गया 20 रुपीज, तो प्रिफरेंस शेयर्स जो नए इश्यू होंगे वो हमारे हो जाएंगे 20,000 × 20, 4 लाख के। ठीक है, इक्विटी शेयर्स थे वो हमारे 15 रुपए के एक हो गया, तो 20,000 × 15 ये हो जाएगा हमारा 3 लाख का, 3 लाख के हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए और बाकी का जो अमाउंट बचा वो अपने कैपिटल रिडक्शन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर, तो 20 में 7 गए 13 लाख। सॉरी, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या है, सेकंड एडजस्टमेंट मैं बता देता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं कर पाए तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी, सेकंड एंट्री पे आते हैं। सेकंड एंट्री हमारी क्या होगी, सेकंड एंट्री हमें दे रखी है क्वेश्चंस में, ईच डिवेंचर ऑफ ₹100 इज टू बी एक्सचेंज ऑफ ₹50 ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, न्यू डिवेंचर्स 13% एंड 1 न्यू प्रिफरेंस शेयर्स एंड 4
न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पुराने डिवेंचर थे 10% डिवेंचर 10 लाख रुपए के, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए 10,000, और जो 100 रुपए का एक होगा उसको इसने डिवाइड करा है चार भाग में, 50 रुपए डिवेंचर्स के नए, 13% डिवेंचर्स के, 25 प्रेफरेंस शेयर्स के 12%, 2.5 रुपए का एक इक्विटी शेयर्स, और जो चार इक्विटी शेयर्स दिए हैं मींस 10 रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, और बाकी का जो अमाउंट बचा 25, 35 और 15 रुपए बचेंगे जो हमारे सीआरआर अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। तो जो हमने 100 रुपए के हिसाब से कर दिया, अब इसी में अमाउंट 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एंट्री हमारी हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले हमारे जो पुराने डिवेंचर्स है वो कैंसिल करने हैं, तो एंट्री क्या होगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट टू 12% प्रिफरेंस शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले हमारे ये जो थे 10 लाख से थे, जिसमें से हमने आधे तो डिवेंचर ही दे दिए, 25 रुपीज के प्रिफरेंस शेयर्स दे दिए, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज का दे दिया, तो 1 लाख रुपए हो गए, और 1,50,000 रुपए सीआरआर में चले गए, ठीक है। तो एक इसमें हमें सीआरआर आ गया, और एक रजिस्ट्रेशन एडजस्टमेंट नंबर 1 से आ गया था, हमारे पास सीआरआर आया था हमारा 20 लाख रुपीज के हमारे डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर थे, जिसमें से 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, और 3 लाख के इक्विटी शेयर 70 और 13 लाख रुपए बचे थे, ठीक है। तो 13 लाख और 1,50,000 ये हो जाएंगे 14,50,000, ठीक है, 14,50,000। दो एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तीसरे एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। तीसरे एडजस्टमेंट हमें दे रखी है, एच इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू 2.5, जितने भी इक्विटी शेयर थे, जितने भी अभी अमाउंट थे, बस अमाउंट हमें रिड्यूस करने 2.5 रुपीज से, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व टू बी यूटिलाइज बाय राइट ऑफ लॉस 50% ऑफ स्टॉक एंड डिवेंचर्स एंड बैलेंस इफ एनी इज टू बी राइट ऑफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का देखते हैं, इक्विटी शेयर कितने हमें दे रखे थे, तो हमें क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं वो है 10 रुपीज ईच, और टोटल अमाउंट दे रखा है 50 लाख रुपीज का, ठीक। अब इसने बोला है जो 10 रुपीज के थे वो हमें 2.5 के बना दिए, मतलब जो 10 रुपीज का इक्विटी शेयर होल्डर था, अब वो बोलता है कि 2.5 तो मेरे राइट अभी मैं रखता हूं, कि अब आपको 2.5 रुपीज मेरे को देने हैं, पर जो 7.5 रुपीज है मैं आपको छूट देता हूँ, क्योंकि आपकी जो कंपनी है डूब रही है और आपको हमारी जरूरत है, ठीक है। तो जो 7.5 है वो हमारे किसमें चला जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन में, 7.5 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाएगा। सेम कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 5 लाख, साफ सीधी बात है, 5 लाख में 2.5 इक्विटी शेयर्स नए इश्यू हो जाएंगे, और 7.5 कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, पुरानी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट टू नई वाली इक्विटी शेयर्स जो इश्यू होगी, इक्विटी शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल
रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये 50 लाख की होगी, 5,02.5, 12,50,000 की नई इक्विटी से शुरू हो गई, बाकी के बचे 50,000 हो गए, 30,50,000। ठीक है, ये तो हो गए हमारे प्रिफरेंस शेयर्स भी, सॉरी इक्विटी शेयर्स भी इशू, नए इशू हो गए, और इससे हमारा आ गया 37,50,000 रुपए का प्रिफरेंस रिजर्व, 37,50,000 टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 52 लाख रुपए का CRR जमा हो चुका है, मतलब 52 लाख रुपए एक तरीके से हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, जो जिससे हमें पुराना जो भी हमारा लॉस था उसे सॉर्ट ऑफ करना है। तो मैं इसीलिए नीचे में एंट्री कर दे रहा हूं। चौथी एंट्री क्या होगी हमारी, CRR अकाउंट कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा 52 लाख से टू, क्या क्या रिड्यूस करना है वो देख लेते हैं एंट्री में क्या क्या दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें राइट ऑफ करने हैं लॉसेस, और लॉसेस हमें दे रखे हैं पी एंड एल अकाउंट, असेट साइड दे रखा है, साफ से दिस बार तो लॉस होगा 27,82,55,000। ठीक है, देन उसके बाद बोला है जो स्टॉक है 50% से स्टॉक कम करना है, तो हमें स्टॉक जो दे रखा है बुक में वो दे रखा है 40,62,000 से का 50% से कम करना है, तो 40,62,000 का 50% आधा कितना हो जाएगा 20,31,000। फिर बोले जो डिबेंटर्स हैं वो भी हमें शायद 50% से कम करने हैं। ठीक है, तो डेटर्स जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था 50% ऑफ स्टॉक कहते हैं 20% ऑफ पीएनएल एंड सैलरी डेटर्स, सेम इसी क्वेश्चन में भी यही ऐसे ही लाइन लिखी हुई है 50% ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स। तो याद रखना जो 50% है वो स्टॉक के लिए भी है, और वो जो 50% है वो डेटर्स के लिए भी है। तो मैं क्वेश्चन में डेटर्स जो दे रखे हैं वो है 23,37,500, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना आएगा, इसका हाफ हो जाएगा 757, ये हो जाएगा 11,68,750, सॉल्व कीजिए हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, सेंडरी डेटर्स भी हो गए, डेटर्स के बाद बोला है बैलेंस, जो भी अगर बैलेंस बचता है इफ एनी टू यूज टू राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज करना है अगर बचता है तो। ठीक है, अब पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बच भी रहा है या नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 52 लाख माइनस 27,82,500 माइनस 20,31,000 माइनस 11,68,500, तो 50 है, सॉरी। ठीक है, उप्स, ये तो बैलेंस ही नहीं बच रहा, नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव 782,250। अब क्या करेगा, अब हमें देखना है CRR हमने यूज कर लिया पर हमारा फिर भी हमारा जो प्रॉफिट जो लॉस है वो पूरा कैरेट फॉरवर्ड या राइट ऑफ नहीं हुआ, तो हमें देखना होगा हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसमें हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितने हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब है ऐसे रिजर्व जिसपे हमारे पास बाइंडेशन नहीं है या लिमिटेशन नहीं है कि हम उसका यूज इस चीज में नहीं कर सकते, लाइक जो हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बचता है या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है उन सब का जो यूटिलाइज कर सकते हैं वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स में ही कर सकते हैं। जैसे इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट
हम जो अमाउंट है केवल पांच चीजें या छह चीजों में ही यूज कर सकते हैं, तो उनको हम फ्री रिजर्व नहीं कह सकते, तो हमें फ्री रिजर्व देखने पड़ेंगे हमारे पास बैलेंस शीट में कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास बैलेंस शीट में दे रखा है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा एक तरीके से फ्री रिजर्व होता है, और जनरल रिजर्व में हमारा बैलेंस दे रखा है 22,67,500, ठीक है, जिसमें से 7,82,250 रुपए पहले ही कम हो चुके, तो 14,85,250 रुपए बच रहे, ठीक है, ये बच रहा है हमारे जनरल रिजर्व का। अब पहले तो हमें जनरल रिजर्व कम करना है, क्योंकि हमारे पास जो ये अमाउंट जितना भी हमारा प्रॉफिट था वो इनफ नहीं था हमारे लॉसेस को सॉल्व करने के लिए, तो हमारा इधर क्या आ जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कम कर देंगे कितने से, 22,67,500, और फिक्स एसेट्स हमारे पास देखने पड़ेंगे कितने अमाउंट के और हमारे पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, और फिक्स एसेट्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 23,35,000 के, मतलब हमारे पास इतना भी अमाउंट नहीं कि हम फिक्स एसेट्स को भी पूरा राइट ऑफ कर सकें, तो साफ सीधी बात जितना अमाउंट अवेलेबल है उतने से कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बोला हुआ है जितना भी बैलेंस बचता है वो हमें फिक्स्ड एसेट्स में यूज करना है, तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना यूज कर लेंगे, 40,85,250, ठीक है, तो ये हमारी एंट्री फोर्थ एंट्री हो जाएगी, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर 4 की लास्ट एंट्री थी। इस तरीके से हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर 3 एंड रजिस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है, और मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं कहीं आउट ऑफ दिल्ली गया हुआ था, जिसकी वजह से आपके पेपर के टाइम पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया, इन क्वेश्चंस को रजिस्ट्रेशन को सॉल्व नहीं करा पाया, इसलिए सॉरी। दोस्तों आपको आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।